Hope you are doing good. It has been quite some time that we did not connect, obviously due to current COVID-19 pandemic situation, and hopefully in this context you are doing good. We will be recording your lectures to complete your course outline. We are advised and directed to revise your course that we have studied till now. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले 2 से 3 लेक्चर्स में अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है आपका रिवाइज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप आ गया है, तो गो थ्रू कर दें इसको स्पीड के साथ. ठीक है, तो फर्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस. इस सेशन में मैंने आपके 2 लेक्चर्स दोज वर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड द इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन किया है ताकि हम स्पीड में इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकें, क्योंकि एज यू आर ऑलरेडी स्टडीड दीज 2 टॉपिक्स, तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. Starts with the question that what is the computer science. There are few common misconceptions in the mind of people about the computer science. Few of them are, somebody think that computer science is the study of computers. Few people think that computer science is a study of how to write computer programs. Few think that computer science the study of the uses and applications of computer and software. यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना. ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है. कुछ लोग समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह लिखे जाते हैं. यानी एनी बॉडी हु इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ही इज स्टडिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस. और तीसरा मिसकंसेप्शन जो कॉमन है वो है, ये सोचा जाता है कि जिसे भी कंप्यूटर के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के बारे के इस्तेमाल के बारे में पता हो वो कंप्यूटर साइंस है, जबकि ऐसा नहीं है. पहला मिसकंसेप्शन है स्टडी ऑफ द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर साइंस, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्यूटर साइंस इज नो मोर अबाउट जस्ट द कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर्स के बारे में अगर सिर्फ पढ़ना है तो ये सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस नहीं है. कंप्यूटर साइंस इज अ बिगर फील्ड नाउडेज. तो सिर्फ इसके बारे में, इट इज़ अबाउट हाउ वी यूज देम एंड व्हाट वी फाइंड आउट व्हाट वी डू. इसी तरह दूसरा हमारा मिसकंसेप्शन है प्रोग्रामिंग के बारे में. सो प्रोग्रामिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द डिसिप्लिन. रिसर्चर्स यूज इट टू स्टडी न्यू आइडियाज and build and test new solutions. But like the computer itself, programming is a tool. Programming sirf ek tool hai jo hum computers ke through istemal karte hain to develop new programs. Uske alawa sirf programming is not about the computer science. This is not all the computer science is about. Isi tarah ye jo misconception hai, कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. यानी ऐसा नहीं है कि जो भी पर्सन हूएवर इज यूजिंग द एनी सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर, लाइक एनी साइंटिस्ट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड टेस्टिंग दी सॉफ्टवेयर पैकेजेस एज वेल एज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन विच दे रन, वो कंप्यूटर साइंस नहीं है. सिर्फ कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इस्तेमाल करना ही कंप्यूटर साइंस नहीं है. अब ठीक है, कोई भी अगर कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की स्किल को अटेन कर लेता है, दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट द कंप्यूटर साइंस. बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता दूँ. दी In the beginning, some of the earliest theoretical work on the logical foundation of computer science occurred in the 1930s, whereas the first general purpose electronic computers appeared in
ड्यूरिंग द 1940s टू 1946। तो आप कह सकते हैं कि पहला कंप्यूटर की जो फाउंडेशन थी जनरल पर्पस की, वो इस दौरान रखी गई। उसको लॉजिकल फाउंडेशन रखी गई 1930s में, लेकिन जो फिजिकली हमारे पास टेंजिबल कंप्यूटर की जो फॉर्म हुई वो 1940s में। उसके बाद जो पहला कमर्शियल मशीन, कमर्शियल कंप्यूटर हमारे पास सामने आया, दैट वाज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डिड नॉट मेक इट्स अपीयरेंस अंटिल मार्च 1951। ये 1951 में पहला कमर्शियल कंप्यूटर हमारे पास सामने आया। और द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में मैं आपको लेटर ऑन अपने थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताऊंगा। तो फर्स्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन कंप्यूटर टू डिजाइन एनीथिंग और टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज वाज फोरट्रान। लेकिन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज उससे पहले इस्तेमाल हो रही थी। जो पहली नेचुरल लैंग्वेज की बेस पर हाई लेवल लैंग्वेज आई वो थी फोरट्रान। Now, after a brief history of the computers, let's begin actually what is the computer science. We earlier discussed about the misconceptions of the computer science. Now we are moving towards actually what is the computer science. Bunyadi taur par computer science ka matlab hai to study the behavior of algorithms to determine if they are correct and efficient. Their formal and mathematical properties. Algorithm की study differentiate करती है computer science को इस्तेमाल करने और computer science की study के दरमियान। Actually, computer science is all about algorithms. Without algorithm, whatever you do on the computers, that is not all about the computer science. Now, it is enough to design an algorithm to solve a problem. We must worry about some additional properties of an algorithm. There are few properties about the algorithm, such as efficiency, kitni efficiency hogi us algorithm ki particular. Acha algorithm hum apne fourth or fifth lecture mein main aapko explain kar dunga. What kinds of resources must be used to execute it? Koi bhi particular algorithm ko hum analyze karte hain ki wo kitna efficient hai, kitna तेजी से और एक्यूरेटली हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। फिर कितनी रिसोर्सेज चाहिए होती है उस एल्गोरिदम को हमारे लिए रिजल्ट जनरेट करने में। थर्ड, हाउ डज इट कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स दैट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। फिर कंपैरिजन भी होता है डिफरेंट एल्गोरिदम्स का, आपस में कंपेरिजन होता है कि विच वन इज द बेटर वन फॉर अस टू सॉल्व दैट पर्टिक्यूलर वेरी प्रॉब्लम। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम्स की स्टडी, देयर बिहेवियर स्टडी इज कंप्यूटर साइंस, एंड बिहेवियर उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये एफिशिएंसी, रिसोर्सेज यूजेज एंड कंपैरिजन बिटवीन द एल्गोरिदम्स। फर्दर क्लेरिफाइंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर एबल टू एग्जीक्यूट एल्गोरिदम्स। इट मीन्स this is about their hardware realization. All the algorithms are directly connected with the hardware. Computing entities are not necessarily machines. However, our interest will lie with algorithms that execute on computing entities called computers. Designing programming languages and translating algorithms into these languages so that they can be executed by the hardware. This is about their linguistic realizations. Two questions come after linguistic realization. One of them is which language do we use to code the algorithms? यहाँ पर भी हम language design करने के लिए भी हम algorithm के साथ उसे connect करते हैं। फिर we will start with one linguistic realization called pseudocode, and later we'll look at possible different realization in various programming languages. So this is about the programming linguistic language ke baare mein jo realization hamari hoti hai, ye bhi ek definition ka part hai computer science ki. Phir kahan kahan hum apply kar sakte hain
their application, identifying important problems and designing correct and efficient software packages to solve these problems. Problems solve करने के लिए हम जो software design करते हैं, that is also part of computer science. What are some of the main important popular application of computers? तो common हमारी जो application है, उनकी examples दी गई हैं, numerical problem solving, information retrieval, graphics, networking, artificial intelligence, etc. These are the application side of computer science, which is a part of the definition of computer science. Informally, ये algorithm के बारे में general सा बताया गया है. Since we are going to discuss in detail later on about the algorithm in a different topic, so nothing is in detail about the algorithm mentioned here. However, generally, algorithm होते कैसे हैं? Algorithm होते क्या हैं? Algorithm ordered sequence होते हैं. एक order में, तरतीब में एक sequence होती है. किस चीज की? Of instructions. हमारी instructions की. Instructions किस काम के लिए, किस purpose के लिए? That is guaranteed to solve a specific problem. ऐसी instructions जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें गारंटी प्रोवाइड करें. अगर नहीं करती, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो एल्गोरिथम हमारे किसी काम करनी. वी विल स्विच ओवर द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम बिकॉज आवर मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इट इज अ लिस्ट दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. लिस्ट की तरह होता है एल्गोरिथम. किस तरह होता है? स्टेप वन डू समथिंग, ये करना है. स्टेप टू में ये काम करना है. स्टेप थ्री में ये काम करना है. एंड वी आर डन विथ अवर प्रॉब्लम. एट द एंड स्टॉप, यू आर फिनिश्ड. हम इसे स्टॉप करते हैं एल्गोरिथम के. एल्गोरिथम को स्टॉप करना जरूरी है. दैट कैन नॉट बी इनफाइनाइट. दैट कैन नॉट कंप्राइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दैट मस्ट बी, ये भी एल्गोरिथम की एक प्रॉपर्टी है. हम इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. एल्गोरिथम मस्ट बी comprising of finite instruction, जिनका कोई end भी हो. ठीक है. Different generations, these are the different generations of computers. Briefly, since this is not core topic about history of the computers, therefore this topic is precisely included in your this presentation. पहली जो हमारी जनरेशन स्टार्ट होती है कंप्यूटर्स की, उसकी जो अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं वो है 1950 से 1957 तक. 1950 से, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, पहला कमर्शियल कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल था. तो वहाँ से लेकर 1957 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन थी. अब उनकी कैटेगराइजेशन किन बेसिस पर हुई, ये आप सामने देखें. उनके एडवांटेज उसमें क्या थे. The first commercial computers, first generation ke computers were the first commercial computers, known as first commercial computers. Then, usi dauran first symbolic programming language istemal hui, use of binary arithmetic ke saath. Yani, abhi hamari first natural ya high level language pehli generation mein introduced nahi hui thi. Binary arithmetic operators ke through hi हम प्रोग्रामिंग करते थे, डिजाइनिंग करते थे उन कमर्शियल कंप्यूटर्स की. और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे फॉर स्टोरेज. साइज उनका बड़ा था फिजिकली, लेकिन उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम थी. उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन का इरा आता है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्वियसली वेयर फर्स्ट जनरेशन इज एंडेड, फ्रॉम 1957 टू 1965. यहाँ क्या एडवांसेस हुई, क्या इनोवेशंस हुई? पहली थी ट्रांजिस्टर्स एंड कोर मेमोरीज. ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हुए इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज. स्मॉलर इन फिजिकल साइज एंड कंटेनिंग लार्जर कैपेसिटी टू स्टोर द डेटा. द फर्स्ट डिस्क फॉर मास स्टोरेज, ये पहली डिस्क इन्वेंट हुई मास स्टोरेज के लिए. फिर साइज रिड्यूस हुआ, फिजिकल साइज, इट इज़ अबाउट द फिजिकल साइज. कंप्यूटर्स का साइज रिड्यूस हुआ, इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड लोअर कॉस्ट.
सैलरी रिड्यूस हुआ, कॉस्ट भी लो हुई, तो ज़्यादा इजीली लोगों ने इन्हें अवेल करना शुरू किया। और फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका मैंने बताया आपको फोरट्रान, वो इसी जनरेशन में, इसी इरा में इंट्रोड्यूस हुई, और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी फिर फोरट्रान के थ्रू इसी जनरेशन में डिज़ाइन किया गया। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में। थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1965 टू 1975। इनमें जो न्यू एडवांसेस हुई, इन्वेंशंस हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, आईसीस का, इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कोर मेमोरीज। ये और स्मॉलर साइज और ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाली डिवाइसेस थी। फर्दर रिडक्शन इन साइज एंड कॉस्ट, इंक्रीज रिलायबिलिटी। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास इस इरा में इंट्रोड्यूस हुए। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म हुए ऑपरेटिंग सिस्टम। अपीयरेंस ऑफ दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एक पूरी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बन गई जिसमें हमारे न्यू न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होना शुरू हो गए। फर्स्ट सेट ऑफ कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंपेटेबिलिटी बिटवीन सिस्टम, कंपेटेबिलिटी का इशू भी रिजॉल्व हुआ थर्ड जनरेशन में। नाउ योर लेक्चर 1A इज एंडेड हियर। Now we are heading towards the lecture 1B, your second topic. First topic was introduction to computers. Now, second topic is looking inside the computer system. मैंने आपको क्लास में ये दोनों लेक्चर सेपरेटली पढ़ाए थे, चूँकि हम गो थ्रू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए दोनों लेक्चर्स को हम एक ही वन ही गो में इसको कंप्लीट करते हैं। Now, when we look inside computers, these are the basic four parts of a computer system. Without these four parts, computer system cannot work whatsoever. In four parts se hi hum, in four parts ke milne se hi hum computer ko effectively, efficiently apne fayde ke liye to resolve our issues utilize kar sakte hain. First one is the hardware. Second one is the software. Third one is data. Fourth one is the user. Now we will discuss the all four parts in detail from now. Hardware क्या होते हैं? Hardware are the mechanical devices. और आसान लफ्जों में anything that can be touched, tangible parts of the computer. ऐसे parts जिन्हें हम touch कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर बेसिकली बुनियादी तौर पर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है, इन्हें हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल अराउंड अस। और आसान लफ्जों में हार्डवेयर इज द बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल पार्ट दैट कंट्रोल्स द बॉडी, जिस्म और रूह वाला इसका आपस में कनेक्शन है। डेटा, इन द मॉडर्न एज डेटा हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, हार्डवेयर के थ्रू उसे कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपको आप उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते। वॉट इज द डेटा? मैंने क्लास में आपको डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इन चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है? चूँकि हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं तो होपफुली आपने वो सब नोट किया होगा। डेटा इज बुनियादी बेसिकली पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ही के थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। तो डेटा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते इफेक्टिवली फॉर आवर ओन पर्पज। फिर फोर्थ पार्ट दैट इज अबाउट द यूजर्स। जब तक कोई यूज़र नहीं होगा कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला, डायरेक्शन देने वाला, उसको इनपुट देकर उसे प्रोसेसिंग का बताने वाला, फिर उसका आउटपुट जनरेट करने वाला, तब तक कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। सो दीज फोर आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। नाउ we move towards
information processing cycle. How the information is processed inside the computer. Since we are looking inside the computer, so by this we will focus over the processing of the computer or of the information inside the computer. Every instruction begins with the input. हर काम से पहले हम कोई भी डायरेक्शन देते हैं जो कंप्यूटर को कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो स्टार्ट होती है इनपुट से. आफ्टर गेटिंग दैट इनपुट बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर प्रोसेसेस दैट इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. सो प्रोसेस करता है, फॉर एग्जांपल वी आर इनपुटिंग 2+2 and asking them to generate the result that will add 2+2. Processing will be 2+2 addition. Then output is the result of that process. In that this particular example, output will be number 4. And storage is also part of information processing cycle. Hamesha hum temporarily hi computer pe kaam nahi karte. Often we require to store our results to make them use for the future, later on with connectivity of any other information. Storage also is a part of information processing cycle. Hardware are categorized in 4 major types. One of them is processor, the most important. Then memory, IO devices, and storage devices. What the processor is the device that processes our given instructions. This is also used as brain of the computer. It carries the instructions from the program, manipulate the data, and generate the result. Most computer have, say, aaj in latest era mein, modern era mein, ek computer mein ek se zyada processors bhi hote hain. Processor ko hi hum CPU kehte hain. Central processing unit is basically not the entire casing of the system. Pura just the casing hoti hai, wo puri CPU nahi kehlati. Processor ko hi CPU kaha jata hai. Theek hai? Processor is made of silicon and copper. मेरे ख्याल में मैंने इसी लेक्चर के दौरान आपको साइकिल भी पढ़ाया होगा, तो अगर वो आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस कर देंगे. मेमरी डिवाइसेस, सेकेंड पार्ट इज मेमरी डिवाइसेस. मेमरी डिवाइसेस आर यू, मेमरी इज यूज टू स्टोर द डेटा. ठीक है, स्टोर बट फॉर द टेम्परेरी पर्पस. रैम, the most common term about the memory we know about is the RAM, random access memory. Random access memory mein hamara temporarily stored data hame save hota hai. Aur aasani hai, agar aasani alfaz mein samajhna chahe to anything that is being displayed on the screen is stored in the RAM or memory. Therefore this is called as the volatile memory. Volatile yani as long as power is supplied to the RAM, the data will be stored. As the power connectivity fails, the data will be washed. ठीक है, more RAM results in a faster system. Obviously जितनी ज़्यादा memory होगी उतनी ज़्यादा उसकी speed बढ़ेगी. इसको और technically हम later on पढ़ेंगे. Second type of memory is read only memory. ROM जिसे हम कहते हैं, that is a type of permanent storage of programs. This holds a computer boot. इसमें ऐसी instructions save होती हैं जो हमेशा computer के लिए कभी ना कभी effective होती हैं. For example, हमारी जो BIOS की details हैं वो ROM में store होती हैं. तो जब कभी computer needs those instructions, those data, it fetches from the ROM. Then comes IO devices, input output devices. Input devices
input output devices are the devices for use to give the input to the system and generate or attain the output from the system. इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू कोई भी यूजर कंप्यूटर के साथ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे बात करता है. इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल से हमारे पास कीबोर्ड और माउस, उसके अलावा भी हैं लेकिन सबसे कॉमन स्कैनर है, हमारे पास माइक है लेकिन सबसे कॉमन है हमारे पास कीबोर्ड और माउस. इनके थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं सिस्टम को. आउटपुट डिवाइसेस वो जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद, उनकी कॉमन एग्जांपल से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है. और कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो पैरेलल साइमल्टेनियसली दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं. उनमें सबसे कॉमन एग्जांपल है टच स्क्रीन, जिससे हम इनपुट भी कर रहे होते हैं टच स्क्रीन से और वहीं पर हमें स्क्रीन पर आउटपुट भी मिल रहा होता है, ठीक है. तो विदाउट आईओ डिवाइसेस वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम. आईओ डिवाइसेस का सेपरेट टॉपिक है, उन्हें हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे. Storage devices are the devices that are used to store the data permanently. Memory में भी हमारा data store होता है, storage devices में भी. Difference ये है कि वो volatile memory है, ये non-volatile है. Volatile यानी उन्हें जब तक power मिलेगा उनमें data store होगा. Volatile का मतलब ये है, sorry, non-volatile का मतलब ये है कि power के बगैर भी हमारा data stored रहेगा. This is a difference between RAM, the memory, and storage devices. Storage devices hold the data and program permanently. Unki common examples hai hamare paas magnetic storage hai, hamare CDs hai, DVDs hai, hard disk hai, etc. Ye sab hamare common examples hai jinme hum data ko permanently store karte hain. Phir hum aa jate hain, after completing the portion of hardware, we move towards the portion of software. Second part of the computer. Software is used to tell the computer what to do. सिर्फ हार्डवेयर के साथ हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते, ना इससे कोई फायदा ले सकते हैं. बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर ही वो वजह है जिनकी वजह से हम कंप्यूटर लेते हैं, वरना सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कंप्यूटर से कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते. देयर आर लार्जली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. One of them are system software, other are application software. System softwares कौन है? That are used to run a computer's hardware and application programs. और आसान लफ्जों में system softwares provide the platform to use the application software. Most important software is the system software. Common examples हैं operating systems. ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे कॉमन एग्जांपल से आज हमारी विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. कभी डॉस होता था, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ विंडोज इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम. उसी में टाइप्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. हमारे पास विंडोज के वर्जन आते हैं जो नेटवर्क बेस्ड होते हैं. फिर हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं विच आर विच प्रोवाइड डिफरेंट यूटिलिटीज to manage the system are also known as type of system software. Antiviruses हमारे पास जो हैं वो utility softwares की एक सबसे common examples. Then comes application software. Any software designed to accomplish a specific task is known as the application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली डिज़ाइन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को अच्छे से करने के लिए. वैरायटी ऑफ टास्क नहीं, पर्टिकुलर टास्क, जिसमें हमारी एग्जांपल्स है एमएस वर्ड. एमएस वर्ड इज अ वर्ड एडिटर, उसमें एक पर्टिकुलर काम करते हैं हम उस पर सारे काम नहीं कर सकते. एडोब फोटोशॉप वाला काम एमएस वर्ड में नहीं कर सकते, एक्सेल वाला काम एमएस वर्ड में उस तरह से नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते. इसी तरह पावर पॉइंट डिज़ाइन used to design presentations for particular task. Excel है हमारे पास, hardware हमारे पास, graphics के softwares हैं. ये सब application softwares जो particular task को achieve करने के लिए, accomplish करने के लिए design किए जाते हैं. Then comes the data. Data
इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये मैं आपको बता चुका। डेटा इज द फैक्ट विद नो मीनिंग ऑन इट्स ओन, वेयर इज इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल डेटा। जब हमारा जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव होता है, दैट इज स्टोर्ड यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे रिवाइज सेशन में बाइनरी नंबर सिस्टम आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ूंगा। तो डेटा को ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन डिफरेंट फाइल्स। देन कम्स कंप्यूटर यूजर्स। कंप्यूटर यूजर्स का रोल डिपेंड करता है उनकी एबिलिटी पर। कोई यूज़र प्रोग्रामर है, कोई यूज़र डेटाबेस को चलाता है, कोई यूज़र नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता है, कोई यूज़र इंस्टॉलेशन करता है हार्डवेयर साइट का। तो डिफरेंट यूज़र्स, कोई हमारा एंड यूज़र है जो सिर्फ यूज़ करता है सिस्टम को, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं। डिफरेंट यूज़र्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स according to their role. So users enable computer to be effective with the help of other three parts of the computer system. Those are hardware, software and data. Briefly, computer mein input devices ki sabse common example hai keyboard. Generally, a standard keyboard includes 100 keys. ठीक है, ईच की सेंस अ डिफरेंट सिग्नल टू सीपीयू। हर की बैकग्राउंड पे एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग है। जब हम ए प्रेस करते हैं तो उसकी डिफरेंट सिग्नल जाता है, बी प्रेस करते हैं डिफरेंट सिग्नल जाता है। तो टाइपिंग के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, दैट इज मोस्ट कॉमनली दैट इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरह काम करता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बफर होते हैं, जब आप कोई की प्रेस करते हैं तो बफर कीबोर्ड के अंदर एक बिल्ट इन बफर होता है। बफर उस पर्टिकुलर की के कोड को रिट्राइव करता है, फेच करता है और फिर वो कंप्यूटर को, सीपीयू को सिग्नल देता है कि देयर इज एन इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी प्रोसेस्ड। तो जब सीपीयू अगर फ्री होगा तो फौरी तौर पे उस बफर से वो इनपुट की हुई इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके उस पर अकॉर्डिंगली उसे रीड करके जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर फ्री नहीं होगा, पैरेलल कोई और काम चल रहा होगा तो उसको होल्ड भी कर देगा। अगर पैरेलल प्रोसेसिंग की एबिलिटी है तो वो पैरेलल मोर देन वन इंस्ट्रक्शन को भी प्रोसेस कर सकता है। और इसी तरह हमारी सबसे कॉमन एग्जांपल है माउस। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जीयूआई एक हमारी टाइप है सॉफ्टवेयर की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल हमारे मोस्टली सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ही बनते हैं। उनमें मोस्टली हमारी जो इनपुट डिवाइस यूज होती है, दैट इज माउस। इजियर टू यूज टू स्क्रॉल बिटवीन द वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। दीज आर द टू कॉमन टाइप्स ऑफ द माउस। वन ऑफ देम इज ऑप्टिकल माउस, अदर वन इज द नॉन मैकेनिकल माउस। दीज आर इंटर प्रॉपर्टीज ऑफ द माउस। First property is the action involved pointing to an object whenever you need to point out to a particular object that is used by the mouse. Clicking the selected object means you want to execute that particular object, and holding and dragging ye sari releasing an object for placement from one place to other place, and right clicking activates the shortcut menu, provides you more features to be executed on particular selected item. These all are, and scroll is the another feature of the mouse. You can scroll swiftly from top to bottom of any software, any particular page, any editor. These are all the properties of mouse. These are the benefits of it. It can move from one corner to other corner very fast in comparison to the keyboard. Menu interaction easy, since it is based on GUI, तो इंटरेक्शन बहुत आसान है। हर चीज़ हमारे सामने होती है, बहुत आसानी से उस पर क्लिक कर सकते हैं। यूजर कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली, माउस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली अंदर कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज पेन ब्रश। पेन ब्रश में ड्राइंग कीबोर्ड के साथ नहीं कर सकते, माउस के साथ कर सकते हैं। डिफरेंट टू बटन्स हैं, आप उनकी कॉन्फिगेशन को चेंज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बटन कॉन्फिगेशन कर सकते हैं।
इसके साथ हमारे जो पहले दो लेक्चर थे, लेक्चर 1A और 1B, ये दोनों हमने टुगेदर फास्टली रिवाइज कर लिए। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें भी हम इसके बाद जो हमने लेक्चर पढ़े थे उन्हें इसी तरह तेज़ी से रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम अपने रिवाइज किए करने वाले टास्क को जल्दी से परफॉर्म करके हम अपने कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट करने के लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करें। और एग्जाम से पहले हम अपना कोशिश यही होगी कि हम अपने कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट कर लें। होपफुली इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि आप ये पहले से पढ़ चुके हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।